बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान, और आज हम करवाएंगे आपकी मुलाकात ऐसी फेमस पर्सनालिटी से जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सीएम बलूचिस्तान भी रह चुके हैं, डॉक्टर नवाब गौस बख्श साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल, रब का एहसान जी। वीनस के मेहमान में खुश आमदीद। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी मोहब्बत, आपने तकलीफ़ की, तशरीफ़ लाए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से, और आपकी तबीयत भी ख़राब थी उसमें से, आपने हमें टाइम निकाल के दिया, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। मोहब्बत है आपकी जी, बिल्कुल कोई भी कीमती वक्त नहीं है मेरा, मेरा बिल्कुल आम वक्त है, सबके लिए है। जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ तक मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना टाइम सही तरीके से स्पेंड करूँ जी। सर सबसे पहले आपकी कुछ पर्सनल लाइफ से लेकर हम कुछ बातें करेंगे, कुछ आपके एजुकेशन से के हवाले से, कुछ आपके बिजनेस के हवाले से, फिर हम आपकी जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, फिर मुल्क के हालात की तरफ जाएंगे, कुछ लाइट लाइट से सवाल होंगे हमारे। सर तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने सिबी इनिशियली जहाँ पैदा हुआ था वहाँ पे जी, उसके बाद क्वेटा, क्वेटा के बाद लाहौर गया कुछ महीनों के लिए एजुकेशन कॉलेज, वहाँ नहीं पढ़ सका गर्मियों की वजह से, गर्मी ने बहुत तंग किया मुझे, और मैं ब्लू वाइट चाइल्ड भी नहीं था, तो वो फैमिली ने कहा कि चलो ये वहाँ पे नहीं पढ़ सकते, उसको क्वेटा में रखे। फिर मैं क्वेटा में मैंने वो की कॉलेज भी वहीं से किया मैंने, फिर FSC में करने के बाद बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया मुझे। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, तो बहरहाल मुझे सीट भी मिल गई, मैं अच्छा स्टूडेंट था। अगर मेरे वालिद की ख्वाहिश ना होती जो मैंने अपने ऊपर खुद तारीख कर दी, अकबर मुक्ती बैठे हुए थे, मैं चाय दे रहा था उनको, पांचवी जमात थी, उन्होंने बाबा से पूछा कि इसको वाजबश को क्या बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनाएंगे, देख के मुझे कहा, तो मैंने कहा वालिद की ख्वाहिश है, वरना मैंने बैरिस्टर बनना था। अच्छा, मेरी ख्वाहिश कायदे आजम को देख के, हमारे जो पढ़ते थे जी, तो फिर क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था, आई विश कि मैं नालायक स्टूडेंट होता तो मैं FSC ना कर पाता, लेकिन मैंने अपने वालिद की ख्वाहिश को अपने लिए हुक्म समझा, और मैंने FSC भी अच्छे नंबरों से करने के बाद फिर मुझे क्या दाखिला बोलान में मिला, फिर माइग्रेट करके आ गया मैं यहाँ पे डाउ मेडिकल कॉलेज से, मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैं यहीं पे हाउस जॉब कर किया मैंने, फिर क्वेटा चला गया, फिर कुछ उसके बाद यहाँ पे आके सर्जरी में भी डिप्लोमा करने की कोशिश की, कार्डिक सर्जरी में हम सर्जन रहमान के साथ कुछ अर्सा काम किया मैंने जी। फिर उसके बाद मैंने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने नौकरी भी की अपने इलाके में। अच्छा, 22 साल की एज अ मेडिकल ऑफिसर, फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर, फिर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर 20 ग्रेड में होता है, तो जब बाबा फौत हो गए तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि गौसबख्श मेरे बाद नवाब सरदार बनेगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर मुझे नहीं था पता, फिर बहरहाल फिर जब मैंने दस्तार मेरी हुई तो फिर मैंने कहा अभी नौकर की तो नखरा की मुलाजमत छोड़ देते हैं, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी 20 ग्रेड में। उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के जो काम थे जी जी, वो मैंने शुरू किए आहिस्ता आहिस्ता, फिर सोशल लाइफ गुजारी मैंने। ठीक, पॉलिटिकल बाद में बात होगी आपके साथ कि पॉलिटिकली मैं किसी को पसंद नहीं आया, या कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं पॉलिटिकली इतना पॉलिटिकली वो नहीं हूँ, क्या कहते, टैग नहीं हूँ। वैसे मैं सब कहूँ सियासत तो इंसान पैदा होता है तो वो देखता है और करता भी है, अगर पार्टी में किसी भी हो या ना हो, इंडिपेंडेंट भी होती है। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई कि मैं 2004 में सरदार नवाब बना, 2007 में मैं मिनिस्टर रेवेन्यू बना, बेनज़ीर की शहादत की वजह से वो मिनिस्ट्री जो थी लंबी चली। ठीक, तो उस वक्त भी मैं चीफ मिनिस्टर के लिए ही टिप्ट था, लेकिन ड्यू टू रीजंस मैं मिनिस्टर बन गया। ठीक है जी, फिर 2013 में मैं चीफ मिनिस्टर बना, वो भी केयर टेकर। तो मैंने जो सर्विस थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से बहुत ज़्यादा सर्विस दी, इलाके को, आवाम को, पाकिस्तान को। जितनी जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं फिर बगैर पेंदे के घूम भी जाते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी थी सर आपके पास? शुरू में तो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था जब मिनिस्टर था जी, हाँ। 2013 में तो मैं चीफ मिनिस्टर था, सब मिनिस्ट्रीज मेरे पास थी, और फिर मैंने कैबिनेट भी नहीं ली उस दौर में। ठीक है जी, इलेक्शंस करवा लिए, बहुत बुरे हालात थे, कंट्रोल किया, अल्लाह की मेहरबानी थी, गॉड वॉज विद मी। मैंने अल्लाह से यही कहा था कि या मौला बस इज्जत दे, पर्दा दे, वकार दे, तो मैंने वो इज्जत और वकार और पर्दा देखा। आज मैं एक छोटे थोड़े से टाइम के लिए, 3 महीना कुछ भी नहीं होता,
सही। लेकिन मैं आजकल टॉक ऑफ द टाउन नहीं हूँ, मैं टॉक ऑफ द कंट्री हूँ, बल्कि इंटरनेशनली भी लोग मुझे जानते हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी, मैंने क्योंकि बेलौसों की खिदमत की, अपनी अपनी ज़ात को पीछे रखा और अपने आवाम को, पाकिस्तान के सबको। मैं पश्तून हूँ, मैं बलूच का भी हूँ, मैं बिरहावी का भी हूँ, मैं सिंधी का भी हूँ, पंजाबी का भी रखा है। सही बात है यार, अल्लाह की मेहरबानी है आप पर। अच्छा सर, जब आप सीएम थे तो आपने बलूचिस्तान के लिए क्या क्या काम किए? माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने काम किए, हमने देखे भी और लोग जानते भी। हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मैं आपको बताऊं कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो उससे पहले नवाब रईसानी साहब, नवाब असलम रईसानी मेरे अजीज़ भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। वो चीफ मिनिस्टर थे तो एक वो हुआ, खुदकुश धमाका हुआ। अच्छा। हज़ारा कम्युनिटी पे, जिसमें 127 के करीब शहीद हो गए, जहां भाग हो गए, और 200 के करीब जो लोग थे वो ज़ख्मी भी थे। उसके बाद भी बहुत सी, मेरे ख्याल में डेथ टॉल तो बढ़ गया होगा। तो फिर वहाँ सिटिन हुआ, अल्लाह की मेहरबानी ये थी कि ठंडक थी वहाँ पे, बदी -4 -5 पे था टेम्परेचर। अच्छा। सिटिन हुआ वहाँ पे, धरना हुआ 3-4 दिन से ज़्यादा। वो अपनी लाशें लेके बैठे रहे बाहर। ओह माय गॉड। तो उसके बाद भी उनका उनका ये था, नवाब साहब गए हुए थे लंदन, लंदन में मैंने उनसे बात की कि भाई आ जाओ, तुम्हारे यहाँ पे ये इशू है। तो बहरहाल वहाँ से कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई कि नवाब साहब जोक्स भी क्रैक करते थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने डिमांड ये की कि इस गवर्नमेंट को जलता कर दें आप। अच्छा। फिर परवेज़ अशरफ राजा वो आए, वो प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर, ये सब के सब आए वहाँ सिटिन के लोगों के साथ बैठे, गपशप की, और उन्होंने गवर्नर्स रूल प्रोक्लेम कर दिया। ठीक। गवर्नर्स रूल जो थे उसमें मक्सी, जुल्फिकार मक्सी साहब, नवाब साहब वो गवर्नर थे। तो गवर्नर्स रूल में भी एक धमाका हो गया, वो भी 100 से ऊपर 120 से ऊपर लोग। अच्छा। उसमें भी जहाँ बाहक हुए और इतने ही जख्मी हो गए, वो भी ठीक नहीं हुआ। फिर केयरटेकर का जब वक्त आया तो नवाब रईसानी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने दोबारा वो कर दी, रीइंस्टेट कर दी कि आ जाए अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस वो करेगा, अपोजिशन वो करेगा केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के नाम पे। तो अल्लाह की मेहरबानी थी, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे किस तरह से मेरा नाम आ गया केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के लिए। उसमें सब ने, हर पार्टी ने, असेंबली में थी या बाहर थी, अक्रॉस बॉर्डर्स, जैकबाद से अपना जोब तक, हब से आपका लबला करे क्या कहते हैं चमन तक, सिबी से कला तक, मतलब सारा बलूचिस्तान मुझ पर कन्वर्ज कर गया। सब ने कहा, हर पार्टी ने, अंदर असेंबली के या बाहर, उन्होंने मुझ पर, मतलब एक तरह से मैं ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट था मुझ पर इन सब पार्टीज का, जैसे एक इलेक्टेड था मैं उनका, और अगर सिलेक्शन थी तो भी इन सब पार्टियों की सिलेक्शन थी। तो अल्लाह की मेहरबानी हुई मुझ पर। मैं जब सिबी से जा रहा था क्वेटा, तो मैंने कहा या अल्लाह कामयाब करना, सही, मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था, नेक नाम करना या मौला, और मुझे कंट्रोल देना। सही। मैं जब यहाँ से गया 22 तारीख को, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। बड़े बड़े फैसले किए मैंने, अवल तो मैंने काबीना को ही नहीं ली। ठीक है, क्या बड़े बड़े फैसले थे सर, आप हमसे शेयर करें। सबसे बड़ा फैसला ये कि मैंने काबीना नहीं ली। ठीक। बाद में मुझे कहते हैं तो गैर आईनी वो था, मैंने कहा जी मुझसे तो गलती हो गई, मैं आईनी वो नहीं था, क्या माहिर नहीं था, कोई मुझे बताता तो मैं ले लेता, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल मैं जानता था एज अ डॉक्टर की भाई ये बीमारी है, बलूचिस्तान को ये बीमारी है। मिनिस्टर 65 का हाउस था बीबी, और 65 के हाउस में 64 जो थे वो थे क्या कहते हैं मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, कोई कुछ कोई कुछ, इस तरह से 64। एक सिर्फ जो नवाब साहब के साथ उनकी दुश्मनी थी या जो भी था, वो अपोजिशन में बैठे हुए थे, और एक और अपोजिशन में होना चाहिए थे उनको, उनसे भी साथ भी दुश्मनी जैसी लड़ाई थी नवाब रईसानी के घर की, लेकिन वो नवाब रईसानी को पीछे से उससे मिले हुए थे अपने काम निकलवाने के लिए। ताकत बहुत गंदी चीज़ है, लोग ताकत के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है ना जी। तो बहरहाल मैंने कहा मौला मुझे इज्जत देना, वकार देना, मैंने बगैर काबीना के मामलात संभाल लिए। वो जो बलूचिस्तान ऐसे 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 से हिल रहा था, वो स्टैंड स्टिल पे आ गया तकरीबन। अच्छा। 100% नहीं, लेकिन वो था। पर मैंने बहुत कुछ किया, मैंने अपना जेब जो था, लोग मुझे कहते थे सीक्रेट सर्विस फंड जो होता है उसकी, उसका वो भी नहीं होता, ऑडिट भी नहीं होता, ठीक है, उसका कोई आपसे नहीं पूछता पैसे खत्म हो गए। हाँ। लिख के भेजा कि भाई पैसे खत्म है। अच्छा। दे दो, वो आपकी अपनी जाती जेब का रह जाती। सही। मैंने पुलिस को दी, गैजेट्स खरीदे हमने, ठीक है। अच्छा, खुद अपनी तरफ से वही पैसे। हाँ, मैंने उनको कहा तो उनका जी ये नहीं हो सकता, आपके पैसे जो है वो दे। तो मैंने वो पैसे दिए जो मेरी जेब थी, मैं चुराता अपने घर भेजता, कहता जी खत्म है, गवर्नमेंट दो। इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट,
वो पैसे इन द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, आपको मैंने 1 करोड़ दे दिया, ठीक है कि भाई मैंने दे दिया हाँ। 1 करोड़ तो उसको अपने मुल्क की के लिए अच्छाई के लिए, तो कोई पूछ उसका ऑडिट भी नहीं होता कहीं पे भी नहीं होता, ठीक तो वो मैं देता, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं था सिवाय अल्लाह की सही और बात वो ज़मीर जो आपके अंदर हाँ। है, और कोई पूछने वाला नहीं था सही। तो बहरहाल फिर हमने ये किया कि वो भी दिया उनको, वो जो गड़बड़ थी वो बहुत नीचे आ गई, वो नीचे आ गई गड़बड़, और वो ग्राफ जो था क्राइम्स का वो बहुत नीचे आ गया, बहुत सी चीज़ें जो थी बंक हुई मेरे उसी जीएसएम लोकेटर से, और मेरे पास 8 करोड़ की तो रसीद पड़ी हुई है। उन्होंने हंस के कहा कि आप ये रसीद नहीं चलती इसकी, कोई पूछेगा नहीं, आप सुनेंगे नहीं, ये मेरी खातिर के मतलब मेरे वाले जब चीफ मिनिस्टर थे वो भी आपको पैसे दिए, मुझे दिए, किसी और को दिए, रसीद ले लो उससे, ठीक है। तो मैंने अपने वालिद की तरह करना है, तो 8 करोड़ की रसीद मेरे पास अभी है। कैप्टन मुबीन शहीद अल्लाह बख्शे उनको, वो जो अपने माल रोड पे धमाका हुआ था वो अच्छा। पंजाब में ट्रैफिक के वो बड़े DIG थे वो, तो वो शहीद हुए, उनकी मेरे पास अभी भी मुबीन के हाथ की रसीद लिखी हुई 8 करोड़ की, बाकी छोड़ दें। मैंने अपने डिस्क्रिशनरी फंड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब कुछ मेल मिला के तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर दिया मैंने सिस्टम को दिया। ये 40 करोड़ मैं अपने पास भी रख सकता था, बाकी तो ड्राइंग रूम में बैठ के कमरे में बैठ के तो मतलब बिलियंस और बिलियंस कमा सकता था। मैंने नहीं लूटा मुल्क को, ना लूटा ना खसूटा ना किसी से मांगा, जहाँ से गया था वापस वहीं चला गया। सही, तभी अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा इज्जत भी दी है। मांगी मैंने अल्लाह से इज्जत थी, पैसा मांगता पैसा भी देते, ठीक है। वैसे मैंने अंग्रेजी में बताया आपको, एज लॉन्ग एज योर फैमिली आई एम रिच, जी बिल्कुल आपका तो माशाल्लाह, मेरा मेरी रूट तो अफगानिस्तान से इंडिया तक जाती है, तारीख है वो, जी बिल्कुल वो तारीख है। तो जाहिर है मेरे बड़ों ने कुछ खराब नहीं किया तारीख, तो मैं अपने अजदाद का नाम कैसे खराब करता। फिर व्हेयरएज माय फादर वाज द फर्स्ट स्पीकर, ट्वाइस द चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट पश्तून चीफ मिनिस्टर, 88 में फिर वो दोबारा स्पीकर बने, जफरुल्लाह जमाली को कास्टिंग वोट दिया, जफरुल्लाह जमाली साहब फिर घबरा गए, अकबर बुगटी साहब भी थे असम्बली में, उनका कुछ नहीं था, जमीयत के 18 लोग थे, फिर उन्होंने असम्बली तोड़ दी, अच्छा असेंबली तोड़ दी, और उसके बाद असेंबली बहाल हो गई, अकबर खान चीफ मिनिस्टर बन गए। देन माय फादर रिजाइन, जी मेरे वालिद ने, हालांकि नवाब अकबर बुगटी ने भी पैगाम भेजे बहुत से लोगों के साथ, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भी कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपनी इज्जत का खुद जिम्मेदार हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कहाँ बेइज्जत होना है, मैंने कहाँ इज्जत कमानी है, मैं बेइज्जती के लिए आपकी पार्टी में नहीं बैठा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती इज्जत है। तो सोसाइटी में भी मैं आपको ये अर्ज करूँ कि सियासत को हम इबादत समझते हैं, और हमारी आँखें ऊँची हैं, जब मैं पीछे अपने अजदाद को देखता हूँ अभी आँखें मेरी ऊँची हैं, फिर मेरे वालिद तो बलूचिस्तान सूबा बनने के साथ ही अफेयर्स पे बैठे रहे, ठीक है ना जी, तो हमको अल्लाह ने इज्जत दी और इज्जत पैसे पे मिलती, मैं शायद ही कुछ 10,000 की खरीद देता। सर आप सियासत में माशाल्लाह आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फादर भी आपके, आपके दादा भी माशाल्लाह सियासत में रहे, तो आप किससे मुतासर होकर सियासत में आए? मैं अपने खानदान से जी, और क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद मेरे सामने थे, दादा तो मुझ पर कुर्बान हुए थे, मैं बहुत बीमार था, उनके भाई का नाम मुझ पर था, तो वो मुझ पर कुर्बान हुए, बहुत बहुत अजीम आदमी थे। उन्होंने मैंने पहले जैसे आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान के लिए वोट दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में, ठीक है जी। तो बाकी अजदाद की मेरी बड़ी तारीख है, ठीक है जी। अहमद शाह अब्दाली आपने नाम सुना होगा, वो हमारे नवाब का खुदायार खान का, मेरा नाम बाप को बताया कि खुदायार खान है, उनका हमजुल्फ था खान ऑफ कलात नूरी नसीर खान जिसको कहते हैं, उनकी 2 बेटियां, एक हमारे नवाब के पास और एक अहमद शाह अब्दाली के, अहमद शाह दुर्रानी के उसमें अकद भी थी, सालियाँ थी, दोनों हमजुल्फ थे, वो बादशाह था, हम नवाब थे सारे एरिया के, ठीक है जी। तो हम तारीख से भी अपने वो हैं, वाकिफ भी हैं और इन्फ्लुएंस भी लिया उससे। देन आई सॉ माय फादर व्हेन आई वाज यंग, बच्चा था, बड़ा हुआ तो मैंने अपने वालिद की सियासत देखी, उनका सच सुना, उनका नैरेटिव सुना, वो बहुत ही खूबसूरत आदमी थे। बलूचिस्तान में क्या पाकिस्तान में उनका सानी कोई नहीं था, लो प्रोफाइल में रह के वो अपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करते थे। तो मेरा मेरी इंस्पिरेशन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम माय फादर नवाब मोहम्मद खान बारोजी, और जो कुछ भी मैं उनकी कॉपी करता हूँ, उनकी मैं कॉपी हूँ, उनको फॉलो करते हुए उनको मैंने उनकी नकल की तभी मैं कामयाब हुआ, और मैं उनकी अच्छी वाली कॉपी नहीं हूँ, वो जीरोक्स होता था एक जमाने में, तो जीरोक्स कॉपी अब उम्र अच्छी भी नहीं होती है, फोटो स्टेट जो होता है उसका, तो मैंने आई कॉपीड माई फादर एंड माई आईज आर हाई
केयर टेकर में इतनी इज्जत नहीं मिलती, मैं आपको बता दूँ बहुत सारे केयर टेकर मेरे। सर आपकी सियासत को आप कहाँ देखते हैं, मतलब आजकल अब जो सियासत चल रही है, अभी जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? ये कोई अगर सियासत इसको कहता है तो मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है, टेढ़ी सोच है। सियासत पाकिस्तान में नहीं रही। सही। जिस तरीके से सियासत चलती रही पिछले हमने हुकूमत देखी उसके अंदर, उससे पहले ये जो थे एक दूसरे को घसीटना, पेट से पैसे निकालना, ये करना वो करना, आपने देखा है जी। बड़ी बात ये कि आप टीवी पे बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी नहीं बिल्कुल गलत है, हमने ऐसी बात कोई की नहीं। गालियाँ, वीडियो क्लिप्स और फिल्में, और वो ये कि एक मोहतरमा को जिनका नाम बीबी मरियम के नाम पे है, ठीक है जी, उसको ये जेब नहीं देता। हमारी सियासत में वीडियोस की बात नहीं है, सोसाइटी बहुत ख़राब हो गई है। सही बात। इमरान खान एक होप था, ठीक, एक होप था, सीधी सी बात है, मैं सफ़ेद को सफ़ेद, काले को काला, ग्रे को ग्रे कहूँगा, तो इमरान खान की भी पार्टी में वो मज़ा नहीं था जो इमरान खान में खुद किसी हद तक एक्यूमन था, उसकी सोच इस किस्म थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मर्दुम शनास अगर थोड़े से होते तो अपने पार्टी के अंदर जो उनके बांके हैं ना जी, बांके होते थे ना, कुछ थे जो खामखा बोलते थे। सही। मैं आपसे अर्ज करूं कि 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने हल्फ उठाया एज प्राइम मिनिस्टर, 2018 को 18 अगस्त को उन्होंने हल्फ उठाया, और मैंने ठीक 8 दिन बाद 27 अगस्त को मैंने ट्वीट भी किया और फेसबुक पे अपनी वॉल पे भी लगाया, मैंने कहा कि सलीका नज़र नहीं आ रहा, इमरान खान कौम और मुल्क को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। 8 दिन के अंदर अंदर भी ये बात ये होती है कि आप में इतना सलीका है, आपकी नज़र में वो चीज़ है, मुझे वो चीज़ें नज़र आई जो मैंने देखा कि सलीका नहीं है, मामला ख़राब हो गए। फिर मैंने 2.25 महीने के बाद कहा कि इमरान खान अनफोर्स्ड एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। अनफोर्स्ड एरर ये होता है जब आप टेनिस और स्क्वाश खेलते हैं, तो मैं प्लेयर हूँ उसका, अच्छा तो आप जब खेल रही होती हैं तो आपके सामने का जो प्लेयर होता है अगर आपको आपको फोर्स करता है और आप गलती कर जाती हैं, शॉट आपकी ज़ाया होती है तो और बात है, लेकिन अगर आप खुद ही गलत रॉन्ग फुट पे खड़े होकर शॉट मारेंगी तो देट इज़ अनफोर्स्ड एरर। मैंने 2.5 महीने के बाद मैंने फिर इनको कहा कि अनफोर्स्ड एरर की गुंजाइश नहीं है। फिर तो हुकूमत के बहुत सारे जो पड़े हुए, मैं कितनों को याद करूँ। फिर 2019 फिर मैंने, फिर भी मैं समझता था, मैं सुबह सवेरे उठा अपने घर में सिब्बी में, अजान हो रही थी, वॉशरूम जाने के लिए तैयार था, उठा मैं बेड से, वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो अजान की का वो फ्रेज आया सुबह की अजान में कि अस्सलात तो खैर मिनन नौम, तो मैंने वॉशरूम नहीं गया, मैं वापस बैठ गया सोफे पे बराबर वाले और मैंने वहाँ से वॉल पे चढ़ा दिया कि इमरान नवाज से बहरहाल बेहतर है। अच्छा, आपने लिखा नमाज नींद से बेहतर है ना, मैंने कहा जी इमरान नवाज से बेहतर है, ये 1 साल की बात, ये मेरी सोच थी। अच्छा। इमरान से गलतियां बहुत हुई लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए उसने बहुत कुछ किया था जो हम सुनते हैं। मैं आइन का वो नहीं हूँ, स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमी नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे घर पे जेब में 10 रुपये पड़े हैं तो मैं 8 रुपये खर्च करूँ, 2 रुपये छोड़ दूँ, कल कहीं और से करके दोबारा 10 कर दूँ, इतना जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन जो इंडिकेटर्स हमने सुने और देखे तो यकीनन इमरान खान ने जो वो थे दूर जो आने वाले थे सिस्टम में अच्छाइयाँ, वो उसने रास्ता दिखा दिया था। अब जब उसने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, ये कहते हैं कि हमारे लिए उसने मुसीबत बनाई, उनका कहना ये मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जी हमने FBI ने इस दफ़ा का रिकॉर्ड जो है ना वो किया है, कलेक्शन की है उसकी टैक्सेस की। सही। तो मैंने कहा ये आवाम से पैसे लिए, आवाम के लिए दे दें, ये गलत बात नहीं थी, इनको बुरा लग रहा है। तब वो जो खादिम पंजाब था वो खादिम आला था, अब वो खादिम पाकिस्तान बन गया, उसको समझ में ही नहीं आती, उसको समझ में ही नहीं आती कि वो करे क्या। उसने ये कर दिया कि वहाँ एवन फील्ड्स इंग्लैंड में एक क्या कहते हैं उसको बना दिया चीफ प्राइम मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस इन इंग्लैंड। कैंप ऑफिस यहाँ तो है ना, इनके 3 जगह तो कैंप ऑफिस बन गई हैं, देखो वहाँ कर दिया, वहाँ पे जाके उसके घुटनों पे बाड़ा भाई है तो बेशक अकेले में कैबिनेट सबको लेके गया। तो सियासत पाकिस्तान में बहुत नीचे आई है, पार्टियों का वो कोई मंशूर नहीं है। तो मैं तभी भी कहता हूँ, मैं अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में दोस्तों से कहता हूँ कि यार करप्शन को छोड़ दो, करप्शन माँ का दूध है, 2 साल तक माँ का दूध बच्चा पीता है,
वो हिलाल है उसके ऊपर। सही। तो दो साल तक करप्शन करें तो बाकी तीन साल काम करें, ठीक है जी। सही बात है। खाते हैं तो लगाएं भी। तो उनकी डिक्शन ठीक है। तो इमरान खान में ये था। अच्छा। काश इमरान खान मर्दुमशनास ज्यादा होता, उनके इर्द गिर्द जैसे थे जिन्होंने उसको धोखा दिया। वो राजा रियाज को देखे, उसको बोलना नहीं आता। हाँ। वो पार्टी को पार्टी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को कहते हैं पीपल पार्टी, पीपल पार्टी। और वो अपोजिशन लीडर बना बैठा, अपोजिशन में बैठा हुआ असेंबली में, ठीक है जी, है इनका आदमी। तो इस मुल्क में फिल्टर्स नहीं लगे हुए, पॉलिटिशियंस में फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे इनको। और करप्शन को गलत तो समझिए ना, करप्शन देखिए, आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाए तो भी आप उसका IUS चेंज करती है, वरना कोई भी फाइल डालेंगी वो फाइल भी करप्ट हो जाएगी। सही बात है। तो हमारे वायरस आ जाएगा, क्योंकि आपकी IUS में है ना। IUS तो खैर नहीं होता, लेकिन वो जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पाकिस्तान के इस तरह का हो जाए कि वायरस प्रूफ हो जाए हम। थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या कि मेरी फाइल गई भी वो भी करप्ट, आपकी फाइल गई भी करप्ट, हर चीज़ करप्ट, हर चीज़ करप्ट। मुल्ला भी करप्ट है, नवाब भी करप्ट है, सरदार भी करप्ट है। तो फिर कहाँ जाएंगे आप, इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे आप? पैसा इस दुनिया के लिए चाहिए, दूसरी दुनिया के लिए नहीं चाहिए। आपको कोई पैसा नहीं जरूरत, आपको क्या जेब में डाल के कब्र में ले जाए, फिर फरिश्तों को दे दे फिर जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जहाँ तक मुल्क की बात हो रही है तो पाकिस्तान की मईशत के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान बहुत बहुत ही ज़्यादा वायबल मुल्क है, हर जगह पे यहाँ पे जनरेशन हो सकती है, मईशत हर जगह से ठीक हो सकती है। उस्तादों की ज़रूरत नहीं, वो जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हम जानते हैं, उनसे अल्लाह बचाए। वो जो कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, दो और दो चार, चार और चार आठ, और आठ से आठ गए तो ज़ीरो, इस तरह करें। ये क्या ये करना वो करना, GDP तो फलाना पी तो फलाना पी, ऐसा नहीं है। मईशत पाकिस्तान की बहुत अच्छी हो सकती है, चारों सीजन्स हैं पाकिस्तान में, आपके पास हर किस्म का वो है, पीछे बैकअप है, दरिया है, समंदर है, सहरा है, रेगिस्तान है। लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे हम उन्हें, तो हमको रोकने वाले बहुत हैं ना जी। हम अपने आप के साथ वो है, क्या कहते हैं, काफी ज्यादा मुखलिस हैं अपने आप के साथ, हम बहुत ज्यादा मुखलिस हैं। जब मुल्क के साथ हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से सब चीजें होने लगेंगी, हो जाएगी। और जब हम मुल्क का सोचते हैं तो फिर ज़हनी इफलास आ जाता है, फिर ज़हनी तौर पे हम मुफलिस लोग, मुल्क को हम कुछ नहीं सोचते। दिया मुल्क ने, ये मियाँ साहब सोच भी नहीं सकते थे कि इतना पैसा कमाएगा ये। मियाँ साहब सोच भी नहीं सकता था, हमने इनको देखा हुआ था बहुत पहले। सही, ठीक है। माजरत के साथ मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने जितना इस मुल्क को नवाजा है ना कुदरती चीजों से, और जितने मौके और जितनी चीजें हमें दी हैं इस मुल्क में, अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहें ना, तो मेरे ख्याल से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं बाहर से कुछ मंगाने की। बिल्कुल, हम इंट्रिंसिकली बहुत कुछ कर सकते हैं, इंटरनली बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखें ना कितना बड़ा इंडिया है, उसकी मजाल नहीं है, धमकियां देता है अमेरिका के कंधे पे बैठ के, यूरोपियन यूनियन के कंधे पे बैठ के, किसी और के मजाल, यहाँ बॉर्डर के साथ उसकी मजाल नहीं है। जितनी मजाल है वो आपको भी मुझे भी पता है। तो ये क्या था कि इतना छोटा सा मुल्क वो बन गया, क्या कहते हैं, इस्लामिक दुनिया का पहला जो है ना एटॉमिक मुल्क है। भुट्टो ने अपनी जान दी, भुट्टो का खून है पाकिस्तान को, भुट्टो को किली के कवर को हम जाके हमेशा उसके ऊपर जाके तो दुआएं पढ़ें कि उसने हमको ये डिटेरेंस दिया। और आज इंडिया कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका को भी तो इमरान खान ने भी तो आंखें दिखा दी ना। सही बात है। अब उसका जो हाल हो अपनी जगह पे है, बट स्टिल वी शुड बी प्राउड ऑफ समथिंग ना। तो इसी चीज़ के प्राउड और क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ है। अगर हम अपने घर को इन ऑर्डर करें, हम अपने घर को इन ऑर्डर करें, आपको अगर ये चीज़ें इम्पोर्टेड नहीं मिलती है तो आपके यहाँ पॉटरी बनती है, आप वो ले लें। फर्नीचर आप मत मंगाएं बाहर से, फर्नीचर यहाँ आपके अच्छे अच्छे कारीगर हैं, आप बना लें। जब आप बराबर हो जाएंगे फिर कहीं जाके फिर दोबारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। हम बहुत ही वायबल इकोनॉमिकली बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे लीडर्स खरबपति पता नहीं क्या क्या है, वो बन सकते हैं। मैं हंस के कहता हूँ पॉलिटिकल लीडर्स को कि आप लोग मुल्क के साथ बार्टर सिस्टम कर लें। बार्टर सिस्टम ये होता है कि मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, लोहार हूँ, मैं हथियार बनाता हूँ, दरामती बनाता हूँ, तलवार बनाता हूँ, आप कपड़े का काम करती है, कोराई के हम उसको कहते हैं, जो कपड़े जुलाहा जिसको कहे, तो मैं आपसे कपड़ा लेने आऊंगा कि भाई ये गज इतने का है, इसके बदले में मुझे एक तलवार दे दो। सही। तो ये बार्टर सिस्टम था, माल के बदले माल, माल के बदले तो माल। इस मुल्क से जितना माल कमाया है ना हमने,
सही, उतना माल तो दे देना पाकिस्तान को, सही बात है, फिर ले लेंगे, पाकिस्तान बाप है, माँ है, जो भी है। सही, मियाँ साहबान जो इतना पैसा कमाए, इतने तो नहीं थे, मैंने तो मियाँ शरीफ को देखा हुआ था। अच्छा, इनका सब कुछ भी, इनकी नवाज शरीफ की शादी की तस्वीर देख ले बस, और छोड़ दें सब, ये सब मुल्क ने दिया इनको, अब मुल्क को पैसा चाहिए ना। सही, जो पैसे लेके गए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, पता है मैं क्या डील देता उनको, कि जितना तुम्हारा पैसा है करप्शन का नहीं है भाई, अच्छा, तुम लोग पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये पैसा मेहरबानी करो उधार दे दो पाकिस्तान को, सही, सूद पे देते हो तुम्हारी मर्जी, वैसे ही देते हो कर्ज हसना के तौर पे, ठीक ये है, दे दो, हम कर्जा उतारते हैं, फिर तुम अपना कर्जा हमसे लेते जाओ, करप्शन को ख़त्म कर दे, कट सही, कट कर दे सोसाइटी में, भाई करप्शन कुछ नहीं है, नहीं, रिश्वत जिंदाबाद, करप्शन जिंदाबाद, चोरी जिंदाबाद, डाका जिंदाबाद, लेकिन ये कि दे देना, ये दो तीन खानदान अपने पैसे लाएं, पाकिस्तान का खाना आबाद हो जाता है जी, और हमारी और आपकी कौमों की दुनिया में आंखें ऊंची हो जाएगी। हम एक बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, सब पार्टियां, मुल्ला भी, सही, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, और सब के सब वो, तो हमको ये कि अब सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, जैसे आपका एक बहुत अच्छा घर है ना, सादा ही सही, उसको टाइडी रखें, साफ सुथरा सही, रखें, साफ अगला सुथरा रखें, वो साफ भी अच्छा सुथरा वो भी लगेगा, अच्छा लगेगा। सही बात तो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल, कभी भी मुझे भुट्टो का एक डायलॉग याद आता है जो बाबा ने बताया मुझे, जब उनका सर वो थी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बैठे थे, तो किसी ने कहा कि जी हालात बहुत ख़राब है इकोनॉमी, भुट्टो ने कहा कोई तुमको इकोनॉमी की पड़ी है, मुझे मुल्क की पड़ी है, मुल्क बच जाए, इकॉनमी का मसला ही नहीं है, मैं मांगूंगा नहीं, मुझे लोग पैसा ला के देंगे कि ये पैसा है आपको ही काम करो, तो हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है, अब बहुत ही ज़्यादा वायबल मुल्क है जी, बस हमें सिंसियर होने की ज़रूरत बस है, हमको सिंसियर अपने साथ नहीं मुल्क के साथ, मुल्क के साथ सिंसियर होने की ज़रूरत है। वो आपने सही कहा कि हम अपने साथ सिंसियर ज़्यादा हैं और मुल्क के साथ नहीं है, तो हमें मुल्क के साथ सिंसियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने साथ इखलास है, उधर इफलास है, ठीक है ना, सही कह रहे हैं, तो इफलास नहीं होना चाहिए, ज़हनी इफलास नहीं होता, सही, बिल्कुल। सर महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? इंटरनेशनल फिनोमिना बिल्कुल है, मैं भी मानता हूँ, और इमरान खान अभी आया ही नहीं था तो लोगों ने कहा कि ये तो महंगाई कर दी फलान कर, भाई ये तो अभी इसको 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, अभी 6 महीने होते हैं, मैं हमेशा कहता था, लोग कहते थे कि आप इसके उसमें हैं, मैंने कहा मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हक की तो बात करो ना आप, ठीक, क्या ना हक करेंगे, ये महंगाई बहुत पहले थी, अगर ये ना आता दरमियान में तो ये महंगाई होनी भी थी, अगर ये लोग होते ना जो अभी बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, तो ये महंगाई वो भी नहीं रोक सकते थे, महंगाई एक फैक्टर है बिल्कुल, फिर कोविड की वजह से भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी की सफाई नहीं दूंगा, मैं उसमें भी मैं हकीकत की बात करूंगा, मुझे नज़र आ रहा है, फारसी में कहते हैं आया रचे बयां, जो चीज़ आपको आयान नज़र आ रही है आँखों से, आप उसको बयान करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों अपने आप को टैग करवाऊँ कि भाई ये इमरान के फेवर का है या किसी के फेवर का, नहीं मैं किसी के फेवर का नहीं, मैं अच्छे काम का फेवर की फेवर करता हूँ, बुरे काम की निगेशन करता हूँ, उसको डैम करता हूँ सख्त अल्फाज में, तो महंगाई है जी बिल्कुल, महंगाई अब क्यों ठीक नहीं हुई, वो उन्होंने काम आएंगे, डॉलर तो 200 से ऊपर चढ़ गया ना, बस यही बात करने वाली थी अभी मैं महंगाई के बाद, कि सर डॉलर की कीमत दिन ब दिन ऊपर चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके अलावा हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस मैं यही तो कह रहा हूँ जी, इनका ख्याल था कि मैं हम आएंगे तो इसको कर लेंगे, उनको हकैक का पता था, लेकिन पता नहीं क्यों ये हेल बाउंड थे कि हमने हुकूमत लेनी है किसी भी सूरत में, सही, अब ये सालन अच्छा सालन नहीं है, ये जो आपके शेफ ने बनाया है ना सालन, ये खाने के काबिल नहीं है, इसमें चाइनीज अपने मजा लेगा, अफगान खाने वाला अफगान भी मजा लेगा, इसमें मिर्च मसाले कम करने की जरूरत है या डालने की जरूरत है सर? इसको फेंकने की जरूरत है जी, ताज़ा काम करें, नई रेसिपी वो कर ले, ये खाने के लायक ही नहीं है, हाँ इसमें तभी अच्छा शेफ चेंज कर दें या रेसिपी चेंज करते हैं सर? रेसिपी चेंज करवा दें, शेफ तो मेरा एसेंशियल पार्ट होता है ना आपका जी, तो उस शेफ को थोड़ा सा थोड़ा बताएं उनको, लोग मानते हैं, उसे गाइड करने की जरूरत है, मैं आपको बताऊं, मैं बगैर काबीना के था, मुझे एडवाइजर भी ना बनाता, कभी कभी बुलाता कि आज यार वसवश को पागल को बुलाओ, उसे कोई गपशप करते हैं, तो मैं उसको बहुत कुछ बता सकता था, जो मैंने बताया उसको समझ में नहीं आया, तो मैंने उठते उठते कहा था उसको, मैंने कहा मियाँ साहब अगर मेरी बातों से आपको कि आप अमल दरामद करेंगे, इफ़ यू अबाइड बाई दोज देन इट विल बी वेरी गुड फॉर योर फैमिली एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो, एंड इफ यू डोंट देन सून यू विल फाइंड योर सेल्फ इन टू द ट्रबल्ड वाटर्स। ये मैंने 28 मई 2013 को कहा था योम तकबीर, फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा जिस तरीके से बेटे गपशप कर रहे थे, मैं आर्टिकल पर लिखा कि योम तकबीर का मुतकबिर
उनका मैंने तकबर देखा, मैंने कहा तुम मियाँ हो, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ना सब मियाँ से भी कोई ऐसी बात करता है जो आप उस दिन बोल रहे थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों यार, कहते थे मियाँ से कोई ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने यार मैं भी मियाँ हूँ तो मियाँ से तो मियाँ बात कर सकता है ना। उन्होंने कहा आपके कैसे मियाँ होंगे, आप तो नवाब हैं। तो मैंने कहा अपनी बीवी का मियाँ हूँ यार, ठीक है ना, सही है ना। तो मैंने कहा हकीकत है, उसके बाद मैं गवर्नर बन सकता था, उसने मेरी गवर्नरी नहीं छोड़ी क्योंकि ये आएगा बैठेगा तो इसको गवर्नर नहीं बनाते। फिर उसमें मेरे खुद अपने, मैं मुथारा चकजी के आड़े आ गया, पश्तून था मैं पश्तून, उसने रास्ता डंडा मार दिया मेरे लिए, ठीक है। तो हर्ज नहीं, मैं खिदमतगार हूँ, सही। मैंने आपको फ्रीलांसर कहा, आप मुझे खुदा ही खिदमतगार कहे, सही बात। वो वाली खान वाली पार्टी नहीं, मेरी अपनी की, मैं हर एक आपको तकलीफ है आपकी तकलीफ कोशिश करूंगा ठीक करूँ जो मुझ में हो सकता है, बेशक। तो इस तरह से तो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने लिख के दिया उसको और आप देख लीजिए 2014 में धंधा शुरू हो गया और मामला कहाँ पहुँचे। आज नवाज शरीफ अगर समझता है कि वो कामयाब सियासतदान है तो उस पर तो हैफ है ही है, ऐसा सोचने वाले सियासतदानों पर भी हैफ है कि ऐसे बंदे को बुजदिल आदमी, झूठा आदमी, झूठ क्या होता है, पेटलेट्स का मैं यहाँ मर रहा था, हम भी समझते थे कि मर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जी गारंटी दे कि आज हफ्ता है परसों तक ये जिंदा रहेगा, मंडे तक जिंदा रहेगा, ढाई साल तक जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं है, हटा कट्टा है, मुस्टंडा है जी। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुल्क के साथ हमको सिंसियर होना पड़ेगा। मुल्क तो जोग्राफिया है ना, एक आवाम के साथ, आवाम के साथ, आवाम जो है ना, मुल्क आवाम से बनते हैं ना जी, मुल्क तो जोग्राफिया है। ये पाकिस्तान बहुत पहले नहीं था लेकिन था पाकिस्तान मुसलमानों का। तो ये कि हमको आवाम की खिदमत करनी पड़ेगी, आवाम के मसाइल ठीक करने पड़ेंगे। पार्टियाँ, सबकी पार्टियों का एक ही मंशूर है कि बड़े की खुशामद करो, खुद अपना काम करते जाओ। मंशूर का कोई नया वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, अपना मंशूर कोई नहीं है, हर कोई बस अपनी मर्जी पे काम कर रहा है। पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी के लीडर को खुश करेंगे, मुस्लिम लीग नून वाले इसको खुश करेंगे, तो और दूसरे उसको गालियाँ देंगे, ये भी गलत है, गाली मत दें। हाँ, सही किसी बात और है। के बाप को गाली मत दें ताकि आपके बाप को गाली कोई ना दे। वो अयान है, बच्चों को भी पता है कि यार ये लोग अच्छे नहीं हैं और यार ये लोग कुछ अच्छे हैं। तो मुल्क हमको अभी ये है कि क्लियर कट, वो जो लेज़र कटिंग करते हैं ना डायमंड्स की, वो आजकल वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। लेज़र कटिंग हर जगह पर बेहतर होती है, तो आप लेज़र कटिंग करें सिस्टम की भी। सर, सी पैक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सी पैक एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है इस सदी में, या उससे पहले वाली सदी में भी, एंड में जब शुरू हुआ तो बलूचिस्तान की एक वैल्यू है, ठीक, ग्वादर उस पर वो बन गया, सेंटर बन गया, न्यूक्लियस बन गया। तो वहाँ पे हमारे पास डीप सी है, ग्वादर आज की तो बंदरगाह नहीं है, तो सदियों से है ना यहाँ पे डीप सी में वो होती रही, स्लेवरी भी होती रही, लोग अफ्रीका से गुलाम लाते थे, अमेरिका में भी बिकते थे, फ्रांस में भी बिकते थे और यहाँ पे भी बिकते थे जी, ठीक है ना जी। तो डीप सी नेचुरल हार्बर है, तो आप उसको डेवलप करने के लिए हमको बहुत पहले खुद इंट्रिंसिकली अपने मुल्क को खुद काम करना चाहिए था। इस पैमाने पर ना करते तो कुछ ना कुछ वैल्यूज की ऐड हो जाती। अब जब चाइना आपके साथ आया, आपके पास एक चीज़ है, आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, आपके खानदानी सोर्सेज इतने नहीं हैं, रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। तो आप अगर चाइना आपके साथ आया है तो उसके साथ करने के बाद ठीक है, उंगलियाँ उठाने वाले बहुत से लोग होते हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट हर जगह पर होते हैं, पॉलिटिक्स के अलावा इसमें भी लोग, फंडिंग होती है, आपके दुश्मन जो होते हैं ना, वो मुल्क दुश्मनी तो आजकल कौन कर सकता है, लेकिन ये कि बदी तो कर सकता है कि भाई आप इसके खिलाफ बात करें। फिर कुछ लोग हैं जो पेड हैं, अब यहाँ पे तो जाहिर है आप देखें कि इंसर्जेंसी के आड़ में वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। तो सी पैक बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ से, सही, बलूचिस्तान की तरफ से इसको हर एक ने अपनी मर्जी का बनाया। इसके पैसों से मियाँ शहबाज शरीफ ने पंजाब में वो ऑरेंज लाइन भी बना दी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उस ऑरेंज लाइन के पैसे बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक्स को और रेलवे क्या कहते हैं सिस्टम को ठीक करते तो ज़्यादा बेहतर था, बट स्टिल कोई बात नहीं, मुल्क एक है, सही है ना जी। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा स्लो काम किया, करते रहे, दिखाते रहे कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। वहाँ पर कहीं पर आप जब डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप रोड्स बनाते हैं, रोड्स के बाद आप जो ना ज़राए होते हैं वहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं,
फिर पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है, समंदर है आपको दोनों तरफ से फर्स्ट क्लास किस्म का, तो डीसेलिनेशन प्लांट्स होने चाहिए थे, जैसे दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, उनका पानी समंदर से ही आ रहा है, तो उस पैसों से पहले जब आप पानी देते सबको, आवाम को, आवाम को चीखने मत दें। बच्चा आपसे एक दफ़ा भूखा है या प्यासा है मांगता है तो माँ बाप, अच्छे माँ बाप फौरन पिला देते हैं, इससे पहले कि ये मुँह खोले, फिर इसकी आदत हो जाएगी, हर बात मांगने के लिए रोएगा चीखेगा। दूध देना है तो दूध उसके मांगने से पहले दे दें, पानी मांग रहा है पानी दे दें, तो उस वक्त भी यही होता, अगर यहाँ पे डिसेलिनेशन प्लांट्स लगे होते, पानी होता जी, पीने के लिए, ज़मींदारी के लिए भी हो सकता है, बारिशें जो होती हैं, डैम्स होते, चेक डैम्स होते, बड़े डैम्स करें या ना करें, वो फिर तो ठीक था, आवाम का प्रॉब्लम उन्होंने छोड़ दिया। फिर लोग ज़मीन.com वाले जाके वहाँ पे तैयार काम करवा रहे हैं, ठीक है जी, ज़मीन.com, आप जाए लाहौर जाए, कराची बैठे, कहीं और पे भी जाएँ, वो देखते हैं कि आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक है जी, आपका प्लाट है। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे मुझसे तो ये लोग पूछते हैं, मेरे ख्याल है रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहा है काफ़ी अर्सा और चीफ मिनिस्टर भी रहा है, मैंने कहा भाई एक इंच भी नहीं है, खुदा को मानो। अच्छा, गवादर इधर है, मैं उधर से बी वाला, ठीक है ना जी। सर, बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है सीपैक के इस मंसूबे से? सीपैक का बलूचिस्तान को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, इस वक्त तक उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक, इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हुआ है, सही, किसी भी म्यूटेशन, ज़मीनों की म्यूटेशंस हैं इस पे उस पे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर हैं, लेकिन एयरपोर्ट ये अभी तक नहीं बराबर बन पा रहा, ठीक है जी, वहाँ पे एक पीसी है, वो पीसी के कमरे चल जाते हैं तो बस ठीक है, उसका गुजारा हो रहा है, एक गवादर में ही वहीं के गवादर के रहने वाले ही बलोच हैं, वो जिमखाना भी बना रहे हैं, अच्छी फैमिली है, पुरानी फैमिली है वहाँ की, वो भी तो मतलब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पेट्रोल पंप्स की भी शिकायत मुझे बताते हैं लोग उधर की, ठीक है जी, तो ग्वादर को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा पहले और उसके बाद बहुत कुछ होगा। फ़ायदा बलूचिस्तान, देखे ना, मैंने चाइना में गया हुआ था, वहाँ पर तो हमारी वहाँ के डिप्टी गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर से गपशप हुई, तो मैंने उनसे कहा कि एक्सीलेंसी बलूचिस्तान, ग्वादर इज़ इन बलूचिस्तान, नॉट बलूचिस्तान इन ग्वादर, ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान ग्वादर में नहीं है, तो स्प्रेड ओवर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, वैल्यूज़ है, तो उसमें एडिशंस कर दें आप, ठीक है जी। बलूचिस्तान को फ़ायदा हो सकेगा जब तक कि कोई सीधे लोग ना आए, वहाँ पर उन लोगों की भी ज़मीन है जिनका काम ही नहीं है, लाहौरी का क्या काम कि वहाँ पे जाके ज़मीनें ले बिजनेस के लिए या सिंध से या कहीं और से, ठीक है ना, तो हर कोई भीड़ चाल लगी हुई है, ठीक, भीड़ चाल कह गया मैं, भीड़ चाल जी, एक भीड़ यहाँ जाती है बाकी भीड़े में उसके पीछे, बिल्कुल सही, तो है जी, उसका फ़ायदा हो सकता है बलूचिस्तान को, अब तक इतना वाज़े फ़ायदा नज़र नहीं आता। और मुल्क को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? सारे का सारा फ़ायदा मुल्क है जनाब। अच्छा, आप सेंधक देख लेना, 50% पाका उसका, तो इतना परसेंट उसका, तो उसका मुल्क का तो फायदा है ही है, मुल्क जो है कंट्रोल कर रहा है सारे पाकिस्तान को, तो मुल्क का तो बलूचिस्तान को इतना अच्छा संभालें कि मुल्क को फायदा बलूचिस्तान देता रहे, बलूचिस्तान में बहुत कुछ है। बिल्कुल, अच्छा, बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, इसको लेते हुए आज मेरे नज़र के सामने से एक वीडियो गुजरी थी सर, कि एक जगह है जहाँ से गैस निकल रही है, इवन कि वहाँ पर अगर आप लकड़ी भी मार रहे हैं तो वहाँ से गैस और वो आग जल रही है, तो मतलब इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीनें, इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, तो हम उसे क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम उनसे क्यों फ़ायदा नहीं ले रहे? ये आपकी बदबख्ती है, मतलब आपसे मुराद पाकिस्तान की बदबख्ती है और हमारी बदबख्ती है, सही, कि वहाँ पर अंग्रेज़ जब आया, अंग्रेज़ ने क्या किया, वह निफाक का बीज बो दिया, सही, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बलोचों का नहीं है, पश्तून भी उतने ही ताकतवर वहाँ पे उसके मालिक हैं, ठीक है जी, सही है। तो अभी वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बलोचों की कभी भी नहीं थी, आज बलोच उस पर काबिज़ हो गए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में उनके ताल्लुकात, और क्योंकि नाम बलूचिस्तान पड़ गया तो हर कोई कहता है जो वहाँ से आता है वो बलोच है, मैं बलोच नहीं हूँ, मैं बलोचों का हूँ, मैं बलोचों का हूँ, मैं पश्तून हूँ, मैं सदियों से, और मैं और कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करूँगा, तो मैं अब मेरी ज़मीन है, अंग्रेज़ ने हमको आके, और मैं आपको बताऊँ, अंग्रेज़ ने आके नवाब बनाए बहुत सारे, जितने बलोच बरावी सरदार आपको नवाब नज़र आते हैं ये सब के साथ अंग्रेज़ के खिताब याफ्ता नवाब हैं, उससे अच्छा। पहले के नवाब नहीं है बलोचों का, बरावियों का, बल्कि खान जो था बड़ा था, अच्छा, खान ऑफ कलात बरावी बलोचों के खान थे,
उसके मुकाबले में हमारे खवानीन थे बारूदी नवाबान, हमारी 18 जंगें हुई हैं खराब कलात के साथ। अच्छा जी, 17 जंगें हम जीते हैं, एक जंग उनके नायब हमारे नायब से खान साहब जीते। ठीक, तो हम इक्वल्स हैं वहाँ पे। अंग्रेज ने आके हमको कमजोर कर दिया, बहुत लंबा किस्सा बन जाएगा, हम कमजोर हो गए। अब मेरी जमीनों पे वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो कब्जा करते आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ने उनको वो कर दिया, क्या कहते हैं, ताकतवर कर दिया। मरी बराबर का जिसट इलाका है हमारा, जब हम सॉवरन थे उनकी मजाल नहीं थी, आज वो उनका हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, वो जो है ना काबिज होते आ रहे हैं, मेरी ज़मीनों मेरे पहाड़ों पे भी काबिज होते आ गए, वहाँ पे भी सिस्टम बिल्कुल, बहुत सी जगहों पे ये आग भी है, गैस भी है, तेल भी है। अब फिर ये कि जब वहाँ के जो पॉलिटिकली आजकल के लोग वो जब उठ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये मेरी ये पावर की जंग है, बलूचिस्तान इसलिए बदबख्ती में फंस गया, पावर्स की पावर में ये कि पीछे आपका हाथ पीछे हाथ है तो पंजाब से भी लोग वहाँ पे मालिक हैं, और मैं अपनी ज़मीन का मालिक नहीं हूँ, मैं अपने पहाड़ों का मालिक नहीं हूँ, वहाँ पे जो है ना और लोग मालिक होंगे इस वजह से। वरना तेल ग्वादर में तेल था, अच्छा ग्वादर में तेल था जब पाकिस्तान को मिला, उससे फ़ायदा उठाया नहीं जी, बाद में जब अमेरिका ने और ईरान ने वो किया एतराज़ किया तो उसको, हमको अब छोटे थे उनको ये पता चलता था कि उसको सीसा डाल के बंद कर दिया गया। माय गॉड, अब भी है। अच्छा, हम पाकिस्तानी बने ना, लेकिन उससे हम कोई फायदा नहीं ले रहे। नहीं जी, बंद अब तक बंद है ना जी, अयूब खान का दौर याद करिए आप। अच्छा, 58 के बाद की बात है। माय गॉड, तो हमारे पास सब कुछ है, ऑयल गैस क्या नहीं है, तो अगर हम चाहें हम मुल्क के साथ अपनी माँ के साथ, मुल्क जमीन माँ है, लेकिन इसके साथ हम सिंसियर हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कह रहा हूँ आपको, हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी, बस अब दुआ करें कि हमारा वो जो एटॉमिक सेट है वो हमसे ना छीन लिया जाए। ठीक, हाँ, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो आया है, जो बेचारा उसको समझ में नहीं आता, मुझे कल ही इंटरव्यू पे किसी दोस्त ने पूछा, तो मैंने कहा मियाँ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, तो छोटा वो था रोल था, पंजाब बहुत बड़ा है, ये नहीं कि पाकिस्तान से भी बड़ा है, 12-13-14 करोड़ तो आबादी है पंजाब की 22 में से, लेकिन ये कि वो वज़ीर आला के लेवल तक ठीक था हमको नज़र नहीं आता था, जो कुछ कर अच्छा है जी ठीक है, खाता है तो लगाता भी है, हम भी कहते थे ठीक है, पाकिस्तान के लेवल पे आके उसका मजा कोई नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान पे आके उसका अपना शहबाज शरीफ ने कोई कमाल नहीं दिखाया, कमाल ये दिखाया कैबिनेट अपनी सारी ले गया वहाँ एवन फील्ड में, और वहाँ मज़े करते रहे। तो फिर मैंने कहा कि मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब तस्वीर में तो अच्छे लगते हैं, 3D में बहुत ही भद्दे हैं, बदसूरत हैं, 3D मतलब मैं और आप एक दूसरे को 3D में देख रहे हैं, तो उनमें कोई मज़ा नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़े लोग हैं, हाकिम लोग हैं हम लोग, मैं खूब हैं उनके, ठीक है ना जी। जी सर, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया जो यादगार बन गया हो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सी नफरतें हैं सर, मोहब्बतों की बात करते चलते हैं। मोहब्बतें भी बहुत हैं, नफरतों की वजह से मोहब्बतों से भी दूर हो गए, लेकिन ये कि हमने उन नफरतों को पाला नहीं, सही मोहब्बतें मिली नहीं हमको। अच्छा। हमको ठीक है ना जी, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप कोई मोहब्बतों वाली बात बता दें, कोई अच्छी सी बात बता दें। बड़ा तल्ख तजुर्बा है मेरा जी, मैं खुद नेगेटिव नहीं हुआ, ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ी बात है कि जब आप नेगेटिविटी आपके साथ बहुत ज्यादा होती है, बाकी तो जिंदगी खुद इटसेल्फ इट इज अ लव, बिल्कुल जिंदगी मोहब्बत है जी। तो मैं अपने जैसे इंसानों से मोहब्बत करता हूँ, मुझे वही तकलीफ होती है, वही एहसास होता है, जो अपने लिए एहसास होता है वो आपके लिए भी, इनके लिए भी, उनके लिए भी, किसी के साथ मैं किसी में बटा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी में बटा ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नरेशन में रिएक्ट करता हूँ जी। सही बात है सर। आखिर में आप कोई आने वाले सियासतदान या मुल्क के हालात को देखते हुए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को या आने वाले सियासतदान लोगों को, जो भी आप अच्छा सा मैसेज देना चाहें? मैं देखिए, सियासतदान तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो बड़े बड़े सियासतदान हैं, मैं मुझे बेचारे को कोई किसी क्या कहते हैं, किस बाग की मूली है, किस खेत की मूली है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया है, ऐसा मकाम दिया है कि आप खिदमत करते हैं अवाम की। खिदमत जो है ना वो है क्या कहते हैं, इबादत है। जब आप इबादत करेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा। हमको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का जो कहा है अल्लाह ताला ने, तो और तो कुछ नहीं, अल्लाह को क्या चीज़ चाहिए हमारी। सही बात है। बहुत से गलत काम के अलावा ये भी कहा गया कि कर लें आप, सही, लेकिन आप देखें क्या क्या आप सीधे हो जाए, राइट साइज करें अपने आप को, सीधा सीधा चलने की, तो अवाम को
आवाम फिर ये कि मैं जिस कबीले से हूँ या मैं जिस बिरादरी से हूँ उस बिरादरी का ना हूँ, सही, सबका हूँ इक्वली, तो उस आवाम के लिए सोचे जिसके साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। और सियासतदान को भी यही कहूँगा कि वो भी सबके, अगर बड़ा है तो अपने कबीले का नहीं, हर कबीले का बड़ा हो। हमारे यहाँ पश्तो में, बलोची में, बरावी में, सिंधी में ये बहुत से प्रोवर्ब्स मशहूर हैं कि बड़े पहाड़ और बड़े लोग तकसीम नहीं हुए हुए। किसी भी सरदार के पास आप जाएँ, किसी कहूँ कि आप हों आपका काम करें, तो इनको भी कहता हूँ घर पार्टी में उनको ये कहूँगा, क्योंकि आगे सियासत ही चलेगी, जंगो जदल के साथ फतवाहत नहीं होगी। मियाँ साहब ने कोई अपने अजदाद की वो ना फौज नहीं बनाई हुई थी जो उन्होंने हुकुमरानी ले ली, खुशामद करते रहे जनरल ज़िया की, मजबूत होते गए, पैसा बहुत आ गया तो बस इस वजह से हुआ। तो इस तरह से नहीं, सबकी खिदमत करें, अपने की भी, पराए की भी, और बाकी रिवॉर्ड के लिए अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह आपको देता है, बहुत देता है जी। बिल्कुल, बेशक इज़्ज़त अल्लाह ही के हाथ में है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा मैसेज आज आपने दिया हमें, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे हुई, और बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ अवेयरनेस मिलेगी हमारे नाज़रीन को भी, सियासत के हवाले से भी और मुल्की मईशत के हवाले से भी। तो बहुत शुक्रिया सर, इतने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बेहद शुक्रगुजार हूँ। आई एम हम्बल जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही महवीश चौहान को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ के अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वीनस के मेहमान महवीश चौहान के साथ।